नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का आकलन याद करो। तो बिल्कुल इजी वे में बताने वाला हूँ। ए को हम करते हैं गाई जी यहाँ से, ये मैंने ए लगा लिया, ठीक है। पहले जो नंबर दिया गया वो लिख लें, 730 प्लस 998 यानी कि 998। अब आपको लगाना क्या, बराबर लगाना है, आराम से देख लीजिए, समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, व्यापक नियम आपने निकटतम पढ़ा होगा, सन्निकटन मान पिछली पिछली बार छठी क्लास में था। अब इस बार इसका नाम बदल दिया गया और चीज़ वही की वही है। अब 730 आप मुझे बताइए, 700 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 800 के? तो साफ दिखाई दे रहा है ये 700 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। यदि 50 या 50 से ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट आएगा। यदि यहाँ पे ये 750 या फिर 750 से ज़्यादा होता तो हम 800 लिखते। प्लस ये बताइए आप, 998 900 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 1000 के? तो आप बोलोगे सर जी 1000 के। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1700, जो कि बिल्कुल सही। आगे देखें नेक्स्ट, बी बी को करते हैं गाइस, 796 माइनस 314, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, पहले आप इनका देखिए सन्निकटन मान निकाल लो, ठीक है। सन्निकटन मान मैं यहाँ से निकालूँ तो 796 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 700 या 800? 800 के। तो यहाँ पे 800 माइनस 314 यानी कि 300 लिखेंगे यहाँ पे। 800 में से 300 घटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 500 विल बी आवर राइट आंसर। सी करते हैं गाइज, ठीक है। और हाँ, सी कर देंगे। 12904 है। अब आप बताइए मुझे, 904 है तो ये 12000 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 12000 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 13000 के? तो मुझे तो 13000 के ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है, तो ये हो गया 13000, ठीक है। इतना क्लियर। प्लस देखिए अब, प्लस ठीक है। अब ये बताइए, 2888 है, ठीक है ना। बताइए कि ये तो देखिए कितना था यहाँ पे, 12904 है, तो ये 13000 के ज़्यादा नज़दीक है फिर 12000, तो 13000 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 13000, ठीक है। प्लस ये 2888, ये 2000 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 3000? 3000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3000। 13000 और 3000, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16000, जो कि बिल्कुल सही है। गाइस क्वेश्चन बचा है डी, डी को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए आराम से। 28292 है, तो ये 28000 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 29000 के? तो मुझे तो दिख रहा है 28000 के, क्योंकि जब आधे से आधे या आधे से ऊपर चला जाएगा तब नेक्स्ट वाला आएगा माइनस। ये 21496, तो इसे हम 21000 ही लिखेंगे क्योंकि ये 500 से ऊपर नहीं, ठीक है। 28 में से 21 जाएगा, हमारा आंसर है वो आ जाएगा 7000। तो गाइज इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताया है, ठीक है। ये व्यापक नियम होता है, इसमें आप सन्निकटन मान का यूज़ करके आप इसे हल करते हो, सन्निकटन मान। इसे आप जहन में रखना, पुरानी क्लासेज भी है मेरे चैनल पर, वो आप वॉच करना चाहे तो वहाँ से भी वॉच कर सकते हो, क्योंकि आपको तो देखिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 100 तक सन्निकटन का प्रयोग करते हुए आकलन याद करो। इस बार आ गया ना, देखिए ए को करता हूँ पहले, 100 तक सन्निकटन बोल रहे हैं, 100 तक। ये 439 से 400 के ज़्यादा नज़दीक दे गया फिर 500 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस 334 यानी कि 300। प्लस आप मुझे ये बताइए, 4 का तो 4 रहेगा, ये 317 300 के ज़्यादा नज़दीक है 400? 300 के, 4300, ठीक है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए 700, ये पेन की हमारा जो आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा 5000, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं गाइस बी की तरफ, और बी को आप आराम से देखना, इसने सैकड़े तक बोला है सन्निकटन। तो आप पहले वालों को एज इट इज़ लिख लो, 108 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 734 है तो यानी 700 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 47, ठीक है, 599 यानी कि 600। अब गाइज आप बिल्कुल आराम से घटा दो, 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो बच जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 2, 4, 6 अंक थे, ठीक है। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 61100, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं गाइज सी की तरफ, सी को आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैं भी आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए। 8325 है, तो मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ, 8300 ही लिख सकता हूँ, माइनस 500 करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7800, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, तो 489 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ये 3000 जाएगी क्योंकि यहाँ पर 348, इसलिए 300 ही आएगा। माइनस 48, ये 365 है, इसका मतलब ये 400 हो जाएगा,
ठीक है, घटाएंगे हम तो 00 का तो 00, 3 में से हाँ 9, तो सिनेमा आई है 13 में मेरी से 9 भी, जाए, 13 में से 4 हाँ जाएगा, 9 हाँ भाई बचेगा। हाँ ठीक है, फिर देखिए 9 है, 9 में से आ 9 रही तो जाएगा, क्या 0 आ रहा बचेगा। आ रहे तो बड़ा ठीक है, आंसू आ उसके रहा बाद है में भाई देखिए अभी बोकर है अड़तालीस बड़ा है, आंसू आ 48 रही में है से भाई आपको बाप कितना घटाना है? 48 में से आपको घटाना है 4। तो गाइस 48 में से 4 घटाओगे आप तो आपके पास में कितना बचेगा? 44। तो 44,000, किसी ठीक का है, भी सॉरी कई खाता दाई ही कर नहीं लें, है वो चार सारा लाख चला चालीस गया हजार भाई नौ सौ हमारे इनका वाला राइट वाला आंसर बंदा आ जाएगा, बाप जो कि बिल्कुल पांच सौ चार सौ सही रुपए है। ही गाइस कमा चलते के हैं खा नेक्स्ट रहे हैं क्वेश्चन की भाई तरफ। पांच सौ रुपए नेक्स्ट कमा क्वेश्चन के देखिए, खा रहे व्यापक हैं नियम का भाई प्रयोग करते हैं निम्न गुणों फलों का आकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया ए, ठीक है, 578, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ व्यापक नियम में? 600 लिख सकता हूँ, ठीक है, गुणा ए 161 है, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 6 2 12 और पीछे 4 0, 1 2 3 4, तो ये मेरा राइट आंसर है। रीड करेंगे इन्हें कितना है, 3 के बाद में कोमा, ये कोमा, 1,20,000 है ये भाई। ठीक है, बी बी को करते हैं गाइस, ये कितना आप खुद देख लीजिए आराम से। तो मैं इनको लिख क्या सकता हूँ, पाँच हज़ार दो सौ इक्यासी है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ 5,000, ठीक है, गुणा ये है 3,400, इसे मैं 3,000 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 3 15 और 0 कितने हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे, 3 ये 3 ये 6। अब इनको रीड करते हैं, ये है कितना ही, तो ये आपके गाइज 1,50,00,000, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सी को करते हैं, अब आराम से देखना, 1,291, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? इनको मैं लिख सकता हूँ 1,000, गुणा ये कितना है ये बता दीजिए, आप खुद बताइए, 592 है, इसका मतलब मैं इसको 600 लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कराऊंगा, 6 एकम 6 और पीछे कितने 0 आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, 4 और 1 ये 5, तो ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 6 लाख मेरा राइट आंसर है यहाँ से। ठीक है, डी को करते हैं गाइज, और बिल्कुल इजी वे में देखिए आप आराम से, 92 ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9,000 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 30। ठीक है, मल्टीप्लाई कराऊंगा, 9 3 27 और पीछे 4 0, 1 2 3 7, ठीक है, तो ये 2,70,000 आपका राइट आंसर है। गाइज एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।